हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देविका एंड बार्बी ब्लॉग। तो मैं अभी निकली हूँ स्कूल से, स्कूल से डायरेक्ट ऑटो लेके अभी मैं आई हूँ वेस्टर्न आर्ट ग्रुप में। उसमें मेरा बहुत ही स्मार्ट सप्तमी के ग्रुप में, मतलब वहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट्स है, उन लोगों से मिलवाऊँगी। सभी स्मार्ट है तो उन लोगों से मिलवाऊँगी। तो अभी वो देखिए, वो लोग मेरा वेट ही कर रहा है। वो कैलीग्राफी क्लास में उन लोगों से आप लोग मिले थे। तो जो लोग मेरे चैनल में न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए। और मैं आ गई हूँ स्कूल। मेरा मॉर्निंग 7:30 से होता है, तो मैं 7:30 से 3 बजे तक होता है। तो अभी टाइम है देखिए 2:20 हो गया। तो आते आते इतना टाइम लगा। तो ये ग्रुप मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स मुझे बहुत ही रेस्पेक्ट, मतलब ऐसे तो सभी स्टूडेंट्स बहुत प्यार करता है, मुझे रेस्पेक्ट करती है, बट ये लोग कुछ एक्स्ट्रा ही है। देखिए वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को दिख रही, एवरी डे वो लोग मेरा वेट करता है। ये देखिए वो लोग मेरे हाथ में जो ये बैग है, मेरा लंच बॉक्स एंड ऑल, ये लेने के लिए वो लोग आ रहे हैं। देखिए तो ये देखिए एवरी डे, ये देखिए ये लोग एवरी डे मेरा ऐसा वेट करता है। तो इसलिए मुझे ये ग्रुप बहुत बहुत पसंद है। लोग एवरी डे एक्साइटेड होता है कब आर्ट क्लास होगा। और यहाँ पे तो स्मार्ट है ही, सभी का ड्राइंग एंड प्राइजेस सब दिखाऊंगी मैं। चलिए ये देखिए मेरा क्लास वेस्टेड, ये है मेरा स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हाय। तो ये है वेस्टेड ग्रुप का स्टूडेंट। यहाँ पे थर्सडे को क्लास होता है। ये इस जगह का नाम है वेस्टेड कॉलोनी। तो मेरा घर तो वेस्टेड के सामने ही है, चटेश्वरी कॉलोनी बोलते हैं। मैं जहाँ पे रहती हूँ वो चटेश्वरी कॉलोनी है, ये है वेस्टर्न। तो यहाँ पे ये लोग ड्राइंग करता है। ये लोग बहुत दिनों से बोल रहा था ब्लॉग बनाने के लिए। लास्ट टाइम इन लोगों से आप लोग मिल चुके हैं, कैलीग्राफी क्लास में मिल चुके हैं सबसे, नहीं ये सप्तमी से दीपांशी, दीपशिखा, शाइनी, ये सबसे मिल चुके हैं। और ये है फर्स्ट स्टूडेंट है मेरा, ये देखिए मंथन, उसका निक नेम है मंथन, ऑफिशियल नेम है स्वस्तिक चक्रवर्ती। कौन से क्लास में हो और तुम्हारे बारे में थोड़ा बताओ। मेरा नाम स्वस्तिक चक्रवर्ती है, मैं केवी डिमापुर में पढ़ता हूँ और क्लास 10 में पढ़ता हूँ। 9 से अभी 10 में आया हूँ, समर वेकेशन चल रहा है हमारा और अगले साल बोर्ड देने वाला हूँ। बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, तुम स्मार्ट हो, क्योंकि देखिए उसका आर्ट, जिसका आर्ट इतना अच्छा है वो तो ऑब्वियसली स्मार्ट तो होगा ही, स्टडी में भी बहुत अच्छा है। सबसे सुनती हूँ उसके बारे में, क्योंकि केवी में मेरा बहुत सारा स्टूडेंट है तो सभी बताता है। ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का ड्राइंग बनाया, और भी कुछ कुछ बनाया, दिखाओ। इस बुक में आई थिंक सारा नहीं है, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही चेंज किया था उसका बुक। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, रुकिए। ये शेडिंग में उसको बहुत ही इंटरेस्ट है, ये वाटर कलर से किया था 3D। और ये देखिए स्टिल लाइफ किया, ये भी फेस सीख रहा है वो फेस। और है इसमें, इस बुक में और एक स्केच दिखाओ, तो थोड़ी देर पहले मैंने देखा था एक स्केच वो, यस ये उसने घर पे ही ट्राई किया। ये देखिए वो बनाता रहता है स्केच, तो ट्राई करता रहता है वो, बहुत ही अच्छा। और एक बहुत ही अच्छा उसके पास टैलेंट है, तो वो उसका एक इंस्टाग्राम पेज भी है, उसके बारे में बताओ, नाम क्या है। मेरा वैसे तो मैं गाना गाता हूँ, तो इंस्टाग्राम पेज है तो उसका आईडी है आर्टिकुलेट गाय, मतलब ARTICULATE, आर्टिकुलेट गाय। तो उसमें मैं गाने वाने छोड़ता हूँ, तो मैंने हाल ही में एक गाना छोड़ा है, बाकी आगे में मैं छोड़ते रहूँगा, तो उसको फॉलो कर दीजिएगा। सभी एक गाना सुनना चाहते हैं तुमसे, वो तुमने मतलब क्या लेवल में कंपटीशन जीत के आए ना, उसके बारे में। राष्ट्रीय एकता पर्व में अंतर्गत फोक सॉन्ग में मैं क्लास्टर लेवल में इम्फाल में जीत के आया था, और साथ में रीजनल लेवल में 74 स्कूल्स से
तो उसमें मेरा फोर्थ आया था, फोर्थ पोजीशन। कुछ गा के सुनाओ अभी। कुछ भी मिलके भी हम ना मिले तुमसे ना जाने क्यों मिलो के है फासले तुमसे ना जाने क्यों ऐसे हैं हमको गिले तुमसे ना जाने क्यों सपने हैं पर को तले तुमसे ना जाने क्यों कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए तू जाने ना। थैंक यू। वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा था। इतना अच्छा, मतलब देखिए तो इतना अच्छा गाना गाया। आर्ट में भी अच्छा है, स्टडी में भी अच्छा है, गाना भी इतना अच्छा गाता है, कंपटीशन भी स्टेट लेवल का जीत के आया। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड मंथन। आई होप तुम्हारा टेंथ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। हाँ तो नेक्स्ट है, मंथन को भी प्राइज मिला। हाँ, लास्ट यस नॉर्थ ईस्ट आर्ट कंपटीशन में लास्ट ईयर एक कंपटीशन दिया था, उसमें उसको प्राइज मिला था। उसका फोटो मैंने मेरे पेज में दिया है, आप लोग देखने से पेज पता चल जाएगा। यस, मैंने अपलोड किया था। और उसने लास्ट ईयर एग्ज़ाम में भी बहुत ही एक अच्छा ग्लास पेंटिंग किया था, वो मेरे घर पर है, वो अभी तक नहीं लाया। लेके आना। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट है ये, उसका नाम है रितेश। रितेश रितेश दास। क्योंकि मैं उसका फुल नेम भूल गई थी। ड्राइंग अच्छा ही करता है, देखिए कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा प्रैक्टिस कम करता है। उसका दीदी है, उसका सिस्टर है अनामिका, वो हमेशा कंप्लेन करता रहे प्रैक्टिस नहीं करता। रितेश तुम्हारा ड्राइंग दिखाओ। वो हमेशा ज़्यादातर खेलता ही रहता है रितेश, है ना रितेश? वो नोबिता को फॉलो करता है। और उसका डोरीमोन है उसका दीदी अनामिका। जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी मतलब ड्राइंग क्लास आता है, ड्राइंग करता है, मैं थोड़ा दिखा देती हूँ, वो घर पे करता है। होमवर्क करने के लिए डोरीमोन है अनामिका, पर स्कूल का भी होमवर्क करने के लिए डोरीमोन अनामिका, तो इसलिए नोबिता। तो ये देखिए, दिखाओ तो ठीक से, ऑडियंस कैसे देखेगा उल्टा करके। ये देखिए, अच्छा ही बनाता है बट होमवर्क नहीं करता है। हाँ, यही मेन प्रॉब्लम है उसका। ये बनाया उसने अनामिका को बनाया, ये सीनरी बनाया। बहुत अच्छा है, बट देखिए प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट है ही है। आप जो भी सीखो, आर्ट क्लास लो, सिंगिंग क्लास लो, जो भी लो, प्रैक्टिस करना ही होगा। स्टूडेंट्स, यस और नो? प्रैक्टिस ज़्यादा ही जोर से थोड़ा बोल दिया। यस, प्रैक्टिस इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। तो ये प्रैक्टिस अभी से करोगे कि नहीं? यस, नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छा। वीडियो करने का ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। स्टूडेंट्स लोग एटलीस्ट ना अभी से, मतलब जब से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया तब से मेरा स्टूडेंट्स और भी अच्छा हो गया। पहले तो अच्छा बनाता ही था, अभी से तो और भी वो लोग अच्छा अच्छा ड्राइंग का मतलब जो भी मैं ड्राइंग देती हूँ वो लोग पूरा कंप्लीट कर लेता है घर पे। क्योंकि मैम अगर कैमरा लेके आएगी, ब्लॉग बनाएगी, तो मैम तो हम लोगों का ड्राइंग दिखाएगी या पेज में अपलोड करेगी। मतलब वो लोग बहुत ही एक्टिव हो गए ब्लॉग करने का, ये मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। वो लोग प्रैक्टिस करता है, क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैम जब वीडियो बनाएगा सब बोल देगा। तो ये है डोरीमोन, उसका डोरीमोन, रितेश का डोरीमोन अनामिका दास। ये क्लास एट में पढ़ती है। ये देखिए, तो बहुत ही अच्छी है ड्राइंग में। देखिए अभी ये बना रही है, ये ड्राइंग बना रही है ये, और लास्ट टाइम भी बनाया था। दिखाओ, बहुत सारा ड्राइंग है उसका। ये दिखाओ सीनरी, ये बहुत अच्छा है। दिखाओ, अच्छा लगा। ये वाटर कलर सीख रहे, एक दो दिन ही किया था बट ये ऑयल पेस्टल पूरा मतलब सीख लिया, और भी थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग बाकी है। दिखाओ,
ये वाटर कलर एक दो दिन ही किया, अभी नेक्स्ट वीक से मैं पूरा वाटर कलर स्टार्ट करूँगी उसका। और वो जो बैठी है एक ना वाइट फेस उसका ये देखिए, ये भी किया, इतना अच्छा करती है, ये बहुत अच्छी है ड्राइंग में। और भी है इसमें दिखाओ, ये भी है देखिए, बहुत अच्छा करती है। और भी है, देखो देखो देखो, दिखा दिखा के वो थक जाएगी, ड्राइंग ख़त्म नहीं होगा। देखिए ये 3D ड्राइंग किया, बहुत अच्छा है। और भी है अभी वो, तुम्हारा ड्राइंग करो, ये इनकम्प्लीट है, लास्ट टाइम किया था एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट वो कुछ प्रॉब्लम के वजह से नहीं गई, बट वो घर पे कंप्लीट कर लेगी। ये भी बनाया, ये देखिए इसका बन तो इतना बड़ा है, ओ माय गॉड अच्छा है, बट ये थोड़ा छोटा करना, ठीक है ठीक है। थैंक यू अनामिका। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके पास। इसका नाम है, बताओ तुम्हारा नाम। दीपांशी मजुमदार। दीपांशी मजुमदार, और ये है दीपशिखा मजुमदार। ये दीपशिखा का छोटी, दीपशिखा की छोटी बहन है दीपांशी मजुमदार। देखिए कितनी क्यूट है मैंने लास्ट टाइम एक रविंद्रनाथ नहीं लोकनाथ बाबा के पूजा में गई थी, वहाँ पे ये दीपांशी, अरे दीपशिखा और ये शाइनी गई थी, मुझसे मिली थी वहाँ पे। वाह, इन तीनों को तो इतना अच्छा, मतलब इतना क्यूट लग रही थी तीनों। मैंने तीनों के साथ सेल्फी भी क्लिक किया, फेसबुक में अपलोड भी किया, बहुत अच्छा लगा था। रेड, यस रेड ड्रेस लगाया था ना, एक वाइट टॉप लगाया था, बहुत ही क्यूट है वो। और वो डांस भी सीखती है ना, ओ दीदी सीखती है। इन दोनों के साथ भी मेरा कन्फ्यूजन होता है, दीपांशी दीपशिखा, दीपांशी कौन दीपशिखा कौन दीपांशी। वो डांस सीखती है, वो डांस करके बताएगी आज नहीं नहीं टीचर्स डे में दिखाएगी, ठीक है टीचर्स डे में। तो अभी दीपांशी को, ये जो ग्रुप है दीपांशी और श्रीजा, शाइनी सप्तमी एंड दीपशिखा, ये तीनों लास्ट टाइम दुर्गा पूजा काली पूजा के टाइम में एक कंपटीशन हुआ था इस कॉलोनी में ही, तब मंथन, तब स्वास्तिक नहीं दे पाया क्योंकि स्वास्तिक तब बिजी था कुछ, मतलब पूजा के लिए ही, क्योंकि यस पूजा में गया था, वो ब्राह्मण है तो ना, वो लोग और उसका पूरा फैमिली पूजा में बिजी रहता है, मैं भी ब्राह्मण हूँ तो बिजी रहता है, तब मैंने उसको बोला था, बट वो कुछ वर्क से बिजी था, नहीं तो वो देता ही देता। उसका मम्मी प्रण विद्यापीठ स्कूल में टीचर है। तो अभी मैं दिखाती हूँ उन लोगों का जो ग्रुप है इस मंथन, प्लीज माय फोन मैं जो कंपटीशन हुआ था उसका फोटो कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए, रुकिए। हाँ देखिए, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये ग्रुप फोटो जो जो दिया था उस कंपटीशन में, ये है दीपांशी, ये है मेरे डॉटर कनिष्का, उसने भी दिया था, ये उसने भी प्राइज़ जीता था, ये है, ये संडे क्लास में मैंने मैं मिलवाई थी आप लोगों से उससे, ये है, रुकिए रुकिए मैंने माइक नहीं लगाया, रुकिए ये तुम पकड़ो, ये देखिए ये मेरा फ़ोन है, इसमें ये मैं उन लोगों के साथ सेल्फी लिया था, और ये है दीपांशी, ये उसको भी प्राइज मिला था, ये मेरे डॉटर कनिष्का, और ये है दीपशिखा, ये है दीपशिखा, और ये है सप्तमी, ये जो है सप्तमी, और ये श्रीजा, उसको भी प्राइज मिला था, और ये है सुदीप, जो मेरा मतलब सबसे बेस्ट ड्राइंग करता है, ये सुदीप, उससे मैं मिलवाऊंगी, वो उसको आज बुलाया था क्योंकि सुदीप का बहन ही है ये सप्तमी, उसका कजन सिस्टर है सुदीप का, तो आज उसको मैं बुलाई थी, बट उसका एग्ज़ाम है कल, साइंस एग्ज़ाम है, इसलिए वो नहीं आ पाया। उसको हर कंपटीशन में प्राइज़ मिलता है, और मीन्स आप मतलब उसका ड्राइंग देखेंगे तो आप मतलब सोचेंगे कैसा लड़का, मतलब जो बोलती वो कर लेता है ये सुदीप, उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और ये अतुश्री दास, उसको संडे क्लास में मिलवाई थी मैं, ये अतुश्री, उसको भी मिला था प्राइस। तो ये ग्रुप बहुत ही टैलेंटेड है उन लोगों को, ये देखिए ये बारबी है, बारबी को मिला था, ये सप्तमी को मिला था, सप्तमी क्या प्राइज़ मिला था, सेकेंड मिला था ना तुम्हें, सेकेंड,
या सेकंड प्राइज मिला था? थर्ड, अच्छा थर्ड मिला था। तो ये देखिए वो ग्रुप का फोटो, ये दीपांशी, दीपशिखा, कनिष्का, ये मिस बारबी, सप्तमी, श्रीजा, ये श्रीजा ये जो बैठी है, श्रीजा, ये श्रीजा, और ये है अतुषी, सुदीप। तो ये था वो, ये कॉलोनी में कंपटीशन हुआ था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मेरे इतना सारा स्टूडेंट्स को प्राइज़ मिला क्योंकि प्राइज ओनली सिक्स था ना, सिक्स और सेवन था, आई थिंक और एट था, तो मेरा तो सिक्स स्टूडेंट्स को मिला। यस, मैं इतने हैप्पी थी उस दिन कि प्राइज टोटल एट है और मेरा तो सिक्स स्टूडेंट्स को ही मिल गया, तो बहुत प्राउड फील हुआ। तो नेक्स्ट जाते हैं, तुम्हारे बारे में बोला ना सब, यस, तो उसको भी प्राइज़ मिला ना कुछ कुछ कंपटीशन में, बट ट्रॉफी लाए तुम। हाँ, और तुम लोग ट्रॉफी लेके आओ, मैं उसका बात करते करते, श्रीजा तो लेके आए हो ना, मैं जब मंथन से बातें कर रही थी उससे पहले ही मैंने श्रीजा को बोला था तुम्हें ट्रॉफी लेके आओ, तो उसने लाया था। यस, तो अभी श्रीजा से बात कर रही हूँ, तुम लोग लेके आना, ठीक है, लेके आना। तो तुम लाए नहीं लाए हो ना, तुम लाए हो, दिखाओ तो, क्योंकि मैं जब मंथन से बातें कर रही थी तभी मैंने बोला था, स्टार्ट करने से पहले ही बोला जो जिसको जिसको प्राइज़ मिला है, क्योंकि सबका घर सामने ही है तो सब लेके आए थे सर्टिफिकेट जो सामने था वही, क्योंकि मैंने अचानक से बोला आज क्लास में आके कि मैं बनाऊंगी ऐसा, तो वो लोग लेके आया था, जो सामने था वही लेके आया। और जो मतलब किसी का पेरेंट्स तो घर पर भी नहीं है, कोई बाहर गया हुआ है तो लॉक था, कोई लेके भी नहीं आ पाया। जैसे मंथन, तो मंथन का घर लॉक है, मंथन का घर लॉक है क्योंकि उसका मम्मी टीचर है, वो उनका स्कूल ख़त्म होते होते चार बजे आता है और वो उसका इमरजेंसी कुछ वर्क था तो वो मंथन बाहर गया हुआ था और थोड़ी देर पहले ही आया, घर लॉक है। तो जो मतलब आर्ट क्लास में उसका होता है कभी कभी कुछ सामान, उसी वही यूज़ कर रहा है, कॉपी रख के गया था ना मंथन, तुम कॉपी रख के गए थे ना? यस, भाग भाग के आया। क्या क्या बोलो, भाग भाग के आया हो? भाग भाग के आया है वो क्लास लेने के लिए, भाग भाग के आया, तो इसलिए तो वो तुम्हारा जो वो मेडल था वो नहीं लाए ना तुम? लॉक था घर लॉक था तो मैंने पड़ोसी के घर पे वो रख दिया था, जो भी आर्ट का सप्लाई का चीज था, वो शाइनी के घर में, शाइनी मैं एकदम घर के सामने रहती है, तो मैं भाग भाग के आया वहाँ से, उसे घर से लिया और फिर यहाँ पे आ गया, तो मेरे को टाइम नहीं मिला निकालने का। तो नेक्स्ट टाइम दिखाना, ठीक है, जब भी नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाओगे तब दिखाना, तब तक और भी प्राइज भी जीत जाना कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट श्रीजा, श्रीजा भद्र, उसका दीदी का नाम है बोशिता, तो मैं उसको हमेशा बोशिता के नाम से ही बुलाती हूँ, बोशिता बोशिता बोशिता। तो ये आज कर रही है ये ड्राइंग, देखिए 3D, ये भी 3D ही है। इन लोगों ने मुझे लास्ट टाइम टीचर्स डे में ये सब ग्रुप में मिलके मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था, मेरा हर ग्रुप ही देती है, टीचर्स डे आने दीजिए, देखिएगा मेरा स्टूडेंट्स का कमाल। तो ये देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि पहले ही बता दिया मीन्स स्टूडेंट्स लोग रेडी के नहीं, आप मेरे पेज में जाएंगे ना लास्ट ईयर सितंबर का फोटो देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना, कैसा होता है टीचर्स डे, तो बहुत ही अच्छा होता है सेलिब्रेट द टीचर्स डे, क्योंकि मेरा इतना अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स है, प्यारा प्यारा, स्मार्ट स्मार्ट। तो ये देखिए श्रीजा का ड्राॅइंग भी दिखाती हूँ, श्रीजा दिखाओ ड्राॅइंग, श्रीजा क्लास कौन सी क्लास में हो, बताओ, 7 भूल गई, क्लास 7 में है ये, ये इस सप्तमी के घर के सामने, ये एक्चुअली क्लास हो रहा है जो वो सप्तमी के घर में हो रहा है, तो श्रीजा सप्तमी के घर के सामने ही रहती है। ये देखिए श्रीजा का ड्राइंग अच्छा बनाता है, बट ना उसका एक ही प्रॉब्लम है, ये मैं आउटलाइन उसको बोलती हूँ लाइट करने के लिए, तो ये ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, सीख रही है वाटर कलर। तो दिखाओ ये भी नाइट सीनरी किया है, देखिए इतना अच्छा है, और भी बनाया, देखिए कितना सारा बुक है उसका, हंस रहे है वो, शाय फिल्म कर रही है। अच्छा दिखाओ दिखाओ, ठीक है,
ये देखिए पिकनिक, क्योंकि उसको हमेशा से मन है पिकनिक जाने का, इसलिए उसने बनाया पिकनिक। ठीक है, दिसंबर में लेके जाएगी मम्मी, मैं बोल दूँगी। ये भी है देखिए, वाटर कलर दिखाओ, वो वाटर कलर का ड्राइंग है देखिए, ये भी है, और भी दिखाओ ये इससे। और तुमने तो ग्लास पेंटिंग भी बनाया था ना, वो है दिखाओ। ग्लास पेंटिंग ऐसे बैग में मत रखना है, घर पे सजा के रखना है, क्योंकि जो मेरा और एक स्टूडेंट है मंथन का ब्रदर, उसका नाम है सौरभ, वो फिफ्थ ईयर में एग्जाम देगा, वो क्लास में ग्लास पेंटिंग किया था, उसके बाद वो घर जाके मतलब बैग में रखा फिर ग्लास पेंटिंग, और हाँ बैग में रखा, फिर घर जाके क्या किया बैग, उसने बैग रखा तो उसने खोल के देखा कि ग्लास टुकड़े-टुकड़े हो गए। नहीं, क्योंकि उसने बैग मतलब हर दिन जो करता है बैग लेके जाके पूरा फेंक देता है चेयर में, मतलब मम्मी उठाएगी ना, उस दिन भी सेम किया, बैग एकदम खोल के बैग मतलब निकाल के पूरा फेंक के रखा चेयर में, बस गया टुकड़ा टुकड़ा ग्लास पेंटिंग उसका मेहनत बेकार। तो अभी जो भी ग्लास पेंटिंग करता है मैं बोलती हूँ केयरफुली रखो, क्योंकि इतना मेहनत के बाद अगर ड्राइंग बर्बाद हो जाएगा। ये ग्लास पेंटिंग है, ये भी ग्लास पेंटिंग है, और दिखाओ। यस, ये ड्राइंग्स है, और भी बहुत सारा ड्राइंग्स है, सब तो बैग में नहीं होता है ना, इसलिए नेक्स्ट टाइम लेके आना। और तुम्हारा प्राइस भी तो, तुम्हें प्राइस भी मिला था ना, दिखाओ। यस, ये ट्रॉफी मिला था लास्ट ईयर एक आर्ट कंपटीशन में, थर्ड मेगा आर्ट फेस्टिवल दिमापुर, तो उसमें प्राइज मिला था, और भी मिला था लास्ट टाइम ऑनलाइन आर्ट कंपटीशन में उसका सर्टिफिकेट्स, मतलब मैं अचानक से बोली ना सर्टिफिकेट सभी लेके नहीं आ पाई, क्योंकि ये तो एनी टाइम तो सामने नहीं रहता है ना भाई। ये देखिए, ये भी है, कितना अच्छा लग रहा है ना चेहरा, मेरे तरह लग रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ और नेक्स्ट उसका मम्मी भी बहुत सुंदर है, उसकी मम्मी की तरह भी लग रही है, बहुत ही सुंदर है, अच्छा बनाती है ये तो। ठीक है, ये था श्रीजा का ड्राइंग, नेक्स्ट टाइम दिखाना, और भी ट्रॉफीज जीतना और सबको दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट है, और मंथन बोल रहा है थोड़ा खाना खाना, क्योंकि उस दिन लास्ट संडे एक तूफान आया था, हाँ तो मैं और मंथन तो पूरा टेंशन के मारे, मंथन मुझे कॉल कर रहा था मैम इतना तूफान दे रहा है, क्या मैं जाऊँ देखूँ एक बार श्रीजा उड़ गई कि नहीं तो मैंने बोला हाँ मंथन तुम जाके देखो एक बार, तुम एक बार उंगली पकड़ लेना वो उड़ेगी नहीं इतनी पतली है देखिए, कुछ भी नहीं खाती, उसका मम्मी बोलती रहती है कुछ भी नहीं खाती है ये, मुझे तो फैन चलाने में भी डर लगता है, उड़ ना जाए, इसलिए एसी भी लगवाया दिस ईयर तो उसके घर में, क्योंकि फैन मतलब जब पूरा फुल स्पीड देने से कभी उड़ जाएगी तो, इसलिए डर के वजह से हाँ तो नेक्स्ट है दीपशिखा तो दीपशिखा डांस करती है तो, बट अभी डांस नहीं दिखाएगी क्योंकि उसने गेटअप नहीं पहना, पहले से बोल देती तो वो दिखाती है ना दीपशिखा, दिखाती है, दिखाती तुम नहीं दिखाती, टीचर्स डे में करके दिखाएगी, और आज कर रही है दीपशिखा, ये पैसा भी रखा है क्यों ओ नहीं उड़ने के लिए, अच्छा श्रीजा की तरह उड़ नहीं जाने के लिए पैसा रखा था, अच्छा ये कृष्णा बना रही है वो कृष्णा जी का ड्राइंग बना रही है आज दीपशिखा। ये देखिए ऑलमोस्ट सेम हुआ, लिप्स थोड़ा ठीक करना होगा, चिन पार्ट भी थोड़ा ठीक करना होगा, चिन पार्ट मैं ठीक कर दूंगी उसको, तो फिर वो कलर स्टार्ट करेगी। उसने भी प्राइज जीता, तुम्हारा ट्रॉफीज दिखाओ, ये देखिए ट्रॉफीज का भीड़ है यहाँ पर, देखिए तुम्हारा ट्रॉफीज दिखाओ, उसके बाद सप्तमी का टर्न देखिए ये मिला, ये अमरा कॉजन में मिला, मैं जब कनिष्का का ट्रॉफीज दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा, उसमें अमरा कॉजन जो कंपटीशन होता है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी, कैसा होता है, कहाँ होता है, कब होता है, सब बताऊंगी। तो ये था अमरा कॉजन में उसको मिला था, एंड ये मिला था वंडरिंग माइंड्स का एक मतलब आर्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आर्ट कंपटीशन हुआ था उसमें मिला था उसको, और भी मिला था सर्टिफिकेट्स, सब तो नहीं लाए हो शायद, है ना, और मेडल भी मिला उसको, ये देखिए ये सर्टिफिकेट्स है उसका,
क्योंकि सर्टिफिकेट्स ही तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ट्रॉफीज़ तो मतलब कोई भी मतलब जॉब इंटरव्यू में जाएगी तो आजकल तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे तो सर्टिफिकेट ही चेक करेगी ना, क्योंकि ट्रॉफीज़ तो हम लोग लेके नहीं जा सकते। या लेके जाओगे एक बैग में पूरा ट्रॉफीज़ लेके इंटरव्यू में, आ गई मैं ट्रॉफीज़ लेके नहीं, सर्टिफिकेट ही इम्पोर्टेंट है, ये सर्टिफिकेट बहुत ध्यान से रखना, ठीक है। ओह उसका सर्टिफिकेट नहीं दिखा है, वो जेलस फील कर रही है, इसलिए दिखाओ 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 दिखाओ। हाँ ये उसका सर्टिफिकेट ये है, नहीं दिखाया। हाँ ये बहुत जेलस फील करती है जब उसके सिस्टर से है ना, कौन कौन ये या ये कौन ये, हाँ मैंने ठीक ही बोला। तो ये है उसका सर्टिफिकेट, उसको मिला था दीपांशी को। नेक्स्ट है ये सप्तमी। सप्तमी ने ऑलमोस्ट कर लिया ये कृष्णा जी का ड्राइंग, देखिए कृष्णा जी का ड्राइंग किया, ये कर लिया, ये बहुत 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 अच्छा करती है ड्राइंग। सुदीप जो बोला उसका भाई है, सुदीप जैसा करता है उससे मतलब सुदीप तो बड़ा है इसलिए उसका बहुत ही अच्छा करता है। उसके बाद सप्तमी आता है, वो भी जो भी ड्राइंग दो फटाफट कर लेती है वो। तो सप्तमी का ट्रॉफीज देखो, सब कंपटीशन में प्राइज़ मिलती है, मतलब जो भी कंपटीशन में भेजूँ उसको तो प्राइज़ मिलना ही मिलना है, इतनी इतनी टैलेंटेड है। और लास्ट टाइम मैं बताती हूँ उसके बारे में थोड़ा, लास्ट टाइम मैं एक दिन मतलब घर से नहीं आई थी, मैं डायरेक्ट स्कूल से आई थी। उस दिन मैं बहुत मतलब स्कूल में मैं लंच लेके नहीं गई थी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गई थी, एवरी डे मैं लंच लेके जाती हूँ, तो आ गई थी। उस दिन मैं इतना मतलब भूख लग रही थी मुझे, तो सप्तमी ने मेरे लिए, उसको नहीं पता था बट उसने कहीं पर गया हुआ था, वो पूजा में गई हुई थी वो, तो वहाँ से मेरे लिए प्रसाद लेके आई। और उसके मम्मी को बार बार बोले मैम को दो प्रसाद, मैम को दो, उसके मम्मी ने मतलब बार बार नहीं बोली, मम्मी को बोलना भी नहीं पड़ता है, मम्मी तो ऐसे ही दे देती है हर दिन कुछ ना कुछ मुझे इतना अच्छा अच्छा खाने के लिए। उसकी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, देती ही रहती है, कुछ कुछ बनाती रहती है। तो वो प्रसाद सप्तमी ने मेरे लिए लेके आई और मैं खाई, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और मैंने उसको दिल खोल के ब्लेसिंग दिया उस दिन, मतलब भूखे को खाना खिलवाया आफ्टर मैं मुझे बहुत भूख लगी थी उस दिन सच में, उसने मेरे लिए लेके आई, मतलब मन से ब्लेसिंग दिया उसको, बहुत अच्छा लगा था। लव यू सप्तमी। तो ये देखिए सप्तमी का ट्रॉफीज, ये है उसको मिला था, ये 2020 में मिला था, है ना सप्तमी। And love you all of my students, मैं सबको बहुत ही प्यार करती हूँ। ये देखिए ये थर्ड आर्ट मेगा फेस्टिवल में मिला था, ये फर्स्ट प्राइज, ये क्या प्राइस था, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, यस फर्स्ट प्राइज, ये भी फर्स्ट प्राइज, ये थर्ड प्राइज और ये सेकेंड, यस सेकेंड प्राइज मिला था ये। और दिखाओ ट्रॉफीज तुम्हारा, और भी तो है ना तुम्हारा ट्रॉफीज, नहीं लाई थी सब, नहीं लाई ट्रॉफीज वो, देखिए रुकिए दिखाती हूँ, देखिए ट्रॉफीज कितना सारा ट्रॉफीज, ये देखिए कितना सारा ट्रॉफीज है, वाओ सप्तमी का ट्रॉफी से भर गया। ये है मैक्स लिटिल आइकन से, उसको फर्स्ट प्राइस मिला था, उसको फर्स्ट प्राइस, ये भी एक कंपटीशन था उसमें भी मिला था उसको ट्रॉफी, ये भी हमेशा बहुत सारा कंपटीशन था। ये कौन सा कंपटीशन था देखो तो एक बार शनी, थर्ड मेगा आर्ट, ये वाला कब का है, सॉरी आमरा गर्जन में ये मिला था थर्ड प्राइस। मैक्स लिटिल आइकन तो सब मतलब सब जगह में होता है ना, स्टेट में होता है, तो इसमें उसको फर्स्ट प्राइज मिला था लास्ट ईयर ही। और ये देखिए कितना सारा ट्रॉफीज है, ये भी है ये दिखाओ, ये अच्छे से दिखाओ ये भी अच्छे से दिखाओ, यस ये थर्ड प्राइज मिला था उसको, और भी दिखाओ, ये नहीं दिखाया, ये इसमें सेकेंड प्राइज मिला था। तो इतनी टैलेंटेड है, उसका ड्राइंग कुछ दिखाती हूँ आप लोगों, देखो देखिए इसका सब, ये सब ट्रॉफीज सप्तमी का है, ये सब ट्रॉफीज सप्तमी का है, ये सब ठीक है। अभी ड्राइंग्स दिखाती हूँ सप्तमी, ओ और भी ला रही है उसकी मम्मी, देखिए
मिली उसके मम्मी से, ये ना मुझे बहुत प्यार करती है, क्या 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 खाना मुझे बना के खिलाती है। आपका नाम प्लीज बताइए। सुमित्रा सिन्हा। ये भी बहुत मतलब पहले टीचर थी ये, अभी हाउस वाइफ ही है, सप्तमी को ही पढ़ाती है अभी, तो फ्यूचर में वो करेगी है ना। यस, उनको करने का मन है। और ये देखिए इतना सारा ट्रॉफी सब सप्तमी का ही है। ये देखिए इसने ये सप्तमी ने बनाया, ये एआर रहमान, राधा कृष्ण का ड्राइंग। स्वीडी आर्ट सप्तमी का पापा प्रणब स्कूल में, प्रणब कॉलेज में, यस लेक्चरर है, प्रणब कॉलेज में लेक्चरर है। उसका मम्मी जो मिल भाई है आप लोगों से, वो हाउस वाइफ ही है। ये देखिए वो खुद से किया, ये घर पे ही किया उसने। और भी दिखाओ, ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छी करती है वो। रविंद्रनाथ टैगोर, ये थोड़ा इनकम्प्लीट है राइट साइड का पार्ट, ये कंप्लीट करेंगे अभी। वो कृष्णा करने के बाद, यस पहले वो चारकल वाला कंप्लीट करो फिर ये कलरिंग स्टार्ट करना, ठीक है। तो इतनी टैलेंटेड है वो और उसका भाई सुदीप दोनों ही। तो और हम लोग ना ये जो ग्रुप है वेस्टर्न आर्ट ग्रुप, हम लोगों ने वो लास्ट ईयर कहाँ गए थे, सिमेट्री गए थे, महालया में घूमने के लिए भी गए थे और आगे भी जाएंगे है ना। आगे भी जाओगे? हाँ जाएंगे। तुम जाओगे कि नहीं? हम तो लेके नहीं गए। हाँ तुम गए नहीं थे वो बोलो। दिस ईयर जाओगे? ठीक है ठीक है। नहीं 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 जरूर लेंगे, मंथन के बिना हमारा ग्रुप अधूरा है। यस। और अभी नेक्स्ट है मेरा बहुत 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 फेवरेट है ये मेरा, क्योंकि जब भी मतलब उसके क्लास का जो स्टूडेंट है ना, प्रियंका करके है, मेरे सैटरडे ग्रुप में देखा था, उसने मुझे एक दिन पूछा था आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है, तो मैंने बताया था इसका स्टाइल इतना अच्छा है। देखिए ना फेवरेट तो ऐसे सभी है, किसका स्टाइल सब कुछ पसंद है ना इसका। यस स्टाइल। Hi guys, it's me, Rashmita Mazumdar. I'm class 9. Favorite तो मेरा सभी है, but उसका style मुझे बहुत पसंद है। देखिए वो क्या कर रही है, ये canvas painting, क्योंकि कल उसका life skill class है इसलिए वो अभी बना रही है, क्योंकि कल life skill class में खूब बातें करेंगी इसलिए। नहीं नहीं ऐसे मजाक करें, उसका भी prize दिखाएगी। दिखाओ तुम्हारा trophies, उसको भी prize मिला बहुत सारा competition में, दिखाओ। वो भी बहुत एक्टिव है और हम लोग बहुत मस्ती करते हैं स्टूडेंट्स टीचर मिलके। ये देखिए ये मिला था, दत्ता स्टूडियो ने ऑर्गेनाइज किया था तो उसको प्राइज़ मिला था, थर्ड प्राइज़। एंड ये भी मिला था, ये फर्स्ट टाइम थर्ड प्राइज़ मिला, फिर सेकंड प्राइज़ मिला, उसके बाद और एक कंपटीशन में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला ना। यस फर्स्ट प्राइज़ वाला ट्रॉफी कहाँ पे है, ये है फर्स्ट प्राइज़ वाला ट्रॉफी, ये देखिए थर्ड सेकेंड फर्स्ट, मतलब उसने पूरा यस टारगेट किया कि मुझे थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट, मतलब फर्स्ट आना ही है। ये देखिए ट्रॉफीज मिला, ये भी ट्रॉफी मिला एक कंपटीशन में, और भी है बट उसका मम्मी घर पे नहीं है, है ना, तो इसलिए वो नहीं ला पाई सब तो प्राइस। और उसका आर्ट सर्टिफिकेट्स दिखाओ, सप्तमी का सर्टिफिकेट नहीं दिखा, सप्तमी का सर्टिफिकेट देखिए उसका, वो अभी अरेंज कर रही है ट्रॉफी से, कैसे दिखाएगी इतना सारा सर्टिफिकेट। यस दिखाओ, ये सब सर्टिफिकेट्स है। तो वो बहुत ही अच्छा ड्राइंग दिखाओ, तुम्हारा मेन जो है ड्राइंग दिखाओ। ये देखिए ये वेंसडे का ड्राइंग किया था उसने, चारकल का अप्लाई कैसे करते हैं, चारकल वो सीख रही है न्यू इसलिए थोड़ा मेसी है बट कर लेती है वो। स्प्रे खरीदो, तुमको मैंने बोला था स्प्रे खरीद लेना, तो ऐसा नहीं होगा, नहीं तो चारकल करने के बाद ऐसे रख देने से स्प्रे अप्लाई, ये खुद से ही किया था, घर से करके लाई थी। और भी दिखाओ,
ये भी है। ओ वो जो ग्रुप है ना उसमें तो रश्मिता को भी मिला था, बट उसमें वो जो ग्रुप जो मैंने दिखाया था वो फोटो आर्ट का मिशन, रुकिए रुकिए दिखाते, वो एक बार मेरा फ़ोन दो, आप लोगों को याद नहीं होगा। ये जो ग्रुप था मैंने जो दिखाया आप लोगों को फोटोस, इसमें रश्मिता का भी है हाँ प्राइज, बट उस दिन वो नंदी कॉलोनी गया हुआ था, हाँ प्राइज नहीं ले पाए आई थी, मतलब ले ने तब नहीं ले पाई थी, बाद में वो आके उसका प्राइज कलेक्ट किया था, बट वो ग्रुप में नहीं थी फोटोस में, तो उसको भी प्राइज मिला था। मतलब टोटल मेरा 7 स्टूडेंट्स को मिला। हाँ यस, मैं भूल ही गई थी ये बात तो, क्योंकि फ़ोटो नहीं है। यस ये घर पे घर से करके लेके आई, उस दिन मैंने फ़ोन में भेजा था तुम ये करना, तो ये करके लेके आई। देखिए इतनी 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 स्मार्ट है ये, और एवरी टाइम ना मेरा वो कितना सब्सक्राइबर हुआ वीडियो क्या अपलोड किया, मतलब वो मुझे बहुत प्यार करती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये प्लीज सब्सक्राइब हर यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच। और उसका भी उसका वीडियो बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा, लाइन में है अभी है। तो प्लीज़ मेरा जो ये वीडियो है इस क्लास का, आप लोग प्लीज़ देख के लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ओ सर्टिफिकेट लाई है सप्तमी, तो ये देखिए इतना सारा सर्टिफिकेट, ये देखिए इतना सारा सर्टिफिकेट है सप्तमी का पास। वाओ, मैं भी जब इंटरव्यू के लिए गई थी मेरा भी बहुत सारा सर्टिफिकेट था, सर्टिफिकेट देखते देखते मतलब थक गया, तो जो भी इंटरव्यू लिया मेरा। तो ऐसा होना चाहिए, सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सप्तमी, थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो मतलब ये वीडियो को आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, और बहुत ही अच्छा लगा ये ग्रुप, मतलब जो जो लास्ट तक बने रहे बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट है नेक्स्ट बैच, वो है इसी कॉलोनी में है, तो मिलते हैं नेक्स्ट बैच में। तो ठीक है, बाय बाय, से बाय बाय।